डॉक्टर रामलखन लोधी ने बाथरूम में नहा रही पत्नी दयावती को करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश की। खबर शिवपुरी के जिला कलेक्ट्रेट से है। हम आपको बता दें कि दयावती लोधी ने आज जनसुनवाई में गुहार लगाई कि वह बड़ोड़ा की निवासी है और हाल निवासी पठान गली गल्ला मंडी करेरा में रह रही है। बताना होगा कि उसके पति डॉक्टरी का काम करते हैं जो कि ग्राम बड़ोड़ा में क्लिनिक संचालित करते हैं। महिला ने बताया कि उसके पति ने जब वह बाथरूम में नहा रही थी तब उसे करंट लगाकर जान से मारने की कोशिश की थी और कहा था कि अब तुझे कौन बचाएगा। जानकारी के अनुसार दयावती लोधी पत्नी रामलखन लोधी ने बताया कि वो 11 तारीख को अपने बाथरूम में नहा रही थी, तभी बाथरूम के ऊपर से तार का फंदा बनाकर उसे नीचे करंट लगाया और बार बार लगाया गया, जिसके बाद तार उसकी छाती पर आकर गिर गया और वो बेहोश हो गई। तब वो बोला कि अब तुझे कौन बचाएगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका किसी और के साथ चक्कर भी चल रहा है जिसके चलते वो ऐसा कर रहे हैं और ना ही वो बेटी की चिंता करते हैं। महिला ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। यहाँ सर मेरे पति ने मुझे करंट लगा दिया है सर, मैं नानी में ना रही थी इसलिए वो सर ऊपर चढ़ के वेंटिलेशन पे वो छल्ला बांध के रस्सी से मुझको हरवे निकाले, तार हरवे डाले मेरे ऊपर, हरवे का दारी अब मर जा तू, अब तेरा कौन है बचाने वाला, बचा ले। क्या कहाँ ना रही थी? नानी में ना रही थी, बाथरूम में। अच्छा, बाथरूम में नहा रही थी। हाँ, तो कैसे करंट लगाया? रस्सी से बांध के छल्ला बना के, ये मोटी वाली डोरी जो खम्भन पे लगी रहती है वो वाली डोरी से छल्ला बना के रस्सी से बांध के हरवे मेरे ऊपर पटके, हरवे खींचे, हरवे खींचे तो मेरी छाती पे रखे रहे, फिर मैं बस बेहोश हो गई। मुझे पता नहीं है, मुझे कब की बात है जी, 11 तारीख की बात है। तो आपने पुलिस में शिकायत की? पुलिस में शिकायत करी, उस पहले पैसा पटक गया पुलिस में, बस फिर कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कोई नहीं करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, पति का नाम है राम लखन लोधी। क्या करते हैं? डॉक्टर ही करते हैं प्राइवेट। कहाँ पर? बड़ौरा। ये कहाँ पड़ता है? टीला बड़ौरा, करेरा के पास साइड। करेरा के उस साइड। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ सर, मेरा बच्चा है सर, वो बच्चा का भी उम्मीद नहीं है, वो पता बच्चा को भी मार डालेगा, मैं क्या करूँगी सर? क्योंकि आपको घर से भगा दिए? घर से भगा दिए सर, घर से ही तो कहता है कि निकल जा, आधी रात कहता है सर, 11 बजे कहीं 12 बजे घर से निकल जा। मेरे से मैंने नहीं निकली सर, इसलिए कर दिया इसने काम। नहीं सर, अब मैं मायके में रह रही हूँ सर। मायके में आके करंट लगाया? नहीं, वहीं पे करंट लगाया, मायके में उठा लिया, कर ले उठा लिया। क्यों कर रहे हैं इस तरह से? क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, मकान बना लिया, अभी 6 महीने हुए जाएं, जो कहता है मकान बेच कर तो उसे निपट लूंगा सर, कुछ नहीं, गाड़ी लड़ाई मड़ाई कुछ नहीं है, वैसी कुछ भी नहीं है ज़्यादा। मकान बनाने पर ही क्यों? गाँव सर कुछ दूसरी रखे हैं क्या है सर? लड़का अपने बच्चे का भी मित नहीं है, वो किसका मित हो जाएगा? रखे हैं क्या दूसरी, आपको पता ही है सर? जो तो हो ही गया, तो गांव में रहता है सर, रात में आता है अकेला, बस बड़ौरा रहता है गाँव। वहाँ पर कोई दूसरी महिला को रखना होगा सर? वो पहले रखा था सर, अभी रखा हो तो पता नहीं है मेरे को। क्या नाम है उस महिला? उस महिला का लड़की थी सर, उसकी शादी हो गई अभी, उसी के चक्कर में प्रताड़ित करती है सर? अब पता नहीं है सर मेरे को तो सर, मैं तो करे रहती हूँ सर बच्चा के साथ। हाँ, करे रहती थी।